मैं नंदन कुमार फ्रॉम बेस टेक्निकल एकेडमी से आज आपको लोगों के बीच कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ ए रिवर्स बायस डायोड इज क्या होगा। रिवर्स बायस डायोड में रेसिस्टेंस इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ ए फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड क्या होगा। जीरो फॉरवर्ड बायस में। करंट फ्लोइंग थ्रू रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड कैन बी मेजर्ड फॉरवर्ड बायस में, ये हो जाएगा रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट इन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम डायोड इज, ये हो जाएगा 0.3 वोल्ट, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ए डायोड इज इन बाई डायरेक्शनल डिवाइस यूनि डायरेक्शनल डिवाइस बोथ ऑफ देम, तो डायोड होता है यूनि डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। आंसर इसका बी है, सी यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। पी टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर में ये एक तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस इज कॉल्ड, फॉस्फोरस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में आता है क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड फ्लोज ड्यू टू, डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड फ्लोज ड्यू टू, ये आंसर हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज। किसके कारण है डिफ्यूजन करंट, अप्लाइड वोल्टेज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस इन सेमीकंडक्टर डायोड डिपेंड्स ऑन, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ये होता है आंसर हो जाएगा रिवर्स बायस में, ये है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में होता है, जबकि डिप्लेशन कैपेसिटेंस होता है फॉरवर्ड बायस में, या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन IN 4007 एन इज रिप्रेजेंट, एन क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, जंक्शन को क्या बताएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेमी कंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस, आंसर हो जाएगा बी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस, क्योंकि सेमी कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसलिए इसे हम नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस भी कहते हैं। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर हैज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर हैज, ये है आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा डी नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई भी नो होल्स होता है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस समय सेमीकंडक्टर एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है। 13 नंबर क्वेश्चन द लीकेज करंट इन एन ऑर्डिनरी डायोड इज ड्यू टू, लीकेज करंट ऑर्डिनरी डायोड में क्या हो जाएगा, जंक्शन कैपेसिटेंस, ड्यू टू जंक्शन कैपेसिटेंस के कारण। 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज, तो यहाँ से पेंटावैलेंट में हम क्या यूज करते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आंसर हो जाएगा सी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द मटेरियल ऑफ LED इज यूजुअली, क्या हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, ये हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन है द जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल इंक्रीज विथ द परसेंटेज, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग डोपिंग, जैसे जैसे हम डोपिंग को इंक्रीज करेंगे जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल इंक्रीज विद द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन डोपिंग, आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन जीनर डायोड इज, क्या हो जाएगा, जीनर डायोड है लीनियर डिवाइस, क्या होगा, लीनियर डिवाइस, आंसर हो जाएगा बी। 18 जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू, जीनर डायोड जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू लार्ज ड्यू टू क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एवलेंची ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू, ये हो जाएगा आंसर हाई इलेक्ट्रिक, जीनर ब्रेकडाउन के बाद एवलेंची ब्रेकडाउन डाउन अकर्स ड्यू टू क्या होगा, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आंसर क्या हो जाएगा, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन सी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन जीनर डायोड
क्या हो जाएगा जीनर डायोड? आंसर हो जाएगा शार्प ब्रेकडाउन एट ए लो रिवर्स वोल्टेज। शार्प ब्रेकडाउन यानी अचानक से ये रिवर्स बायस में चला जाता है, और रिवर्स बायस में जाने के बाद ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है 21, एवलांची ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर डायोड अकर्स व्हेन। क्या होगा एवलांची ब्रेकडाउन?